हेलो फ्रेंड, माय नेम इज रंजना और आज हम असाइनमेंट थर्ड करेंगे और उम्मीद है असाइनमेंट फर्स्ट और असाइनमेंट सेकंड आपका पूरी 100% सही होंगे और मेरा उस दोनों में 100 मार्क्स रहा है। और बहुत ऐसे व्यूअर हैं जो मेरे वीडियो को व्यू करते हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर ले अगर फर्दर असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं। और लेट्स मूव विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट। देर इज अ क्लोज लिंक बिटवीन द GDP ऑफ द स्टेट एंड द पावर कंज्यूम बाय द स्टेट, दिस इज ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द CO2 ऑफ द एटमोसफियर हैज स्टेडली डिक्रीजिंग द पास्ट 60 ईयर, दिस इज रॉन्ग बिकॉज हमें पता है कि 60 सालों में CO2 की मात्रा कम नहीं हुई है, बढ़ी है। दैट्स वाई यह दूसरे का जवाब फॉल्स होगा। तीसरे पे पहुंचते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू चेंज द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज बाई द वर्ल्ड, और यह बात तीसरे का जवाब सही है क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड में जितने भी एनर्जी यूज हो रही है अभी तक उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, और दैट्स वाई दिस इज ट्रू। फोर्थ पे आते हैं। आइस कोर कंटेन द एयर दैट वॉज ट्रिप बाय द आइस, द ईयर आइस वॉज द फॉर्म, हैंस कैन बी यूज द कंपोजिशन ऑफ द एटमोसफियर एज द फंक्शन ऑफ द टाइम। आइस कोर जो होता है उसमें एक तरह से हवा भरा होता है और उसको दैट वॉज ट्रिप बाय द आइस, और इसकी मदद से हम लोग क्या बता सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एटमोसफियर इज द फंक्शन ऑफ टाइम, दैट्स वाई दिस इज ट्रू। फिफ्थ पे आते हैं। द साइज ऑफ प्लेनेट डिसाइड हाउ मच एनर्जी सन रिचेज द प्लेनेट गिवन द फिक्स ऑर्बिट, और हर प्लेनेट का साइज अलग है और सन की कितनी एनर्जी उस प्लेनेट पे पहुंचेगी और यह उससे डिसाइड होता है कि वो उसकी साइज कितनी है प्लेनेट की, दैट्स वाई दिस इज ट्रू। एनर्जी यूज बाई द मैन काइंड इंटायर द ईयर द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इन द कोर्स ऑफ द 1 month, इसमें जो लेक्चर हमारा नंबर जो 8 है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे उन्होंने बताया था 1 month में होता है, यहाँ पे 1 month दिया है बट लेक्चर में हमने पढ़ा था 1 hour में 1 hour होना चाहिए था, तो दैट्स वाई ये फॉल्स होगा। और डायसन द हाइपोथेटिकल डायसन स्फीयर वाज कैप्चर विद एनर्जी फ्रॉम द सन कमिंग टू द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, दिस इज ट्रू। डायसन स्फीयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, दैट्स वाई दिस इज कैप्चर ऑफ ऑल द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ, दैट्स वाई दिस इज ट्रू। 8 पे पहुँचते हैं। द ग्रेटर फ्रिक्शन ऑफ द सनलाइट दैट रीच टू द सर्फेस ऑफ फॉल ऑन द वॉटर, दिस इज ट्रू। हम लोग लेक्चर 9 में पढ़े थे कि जो मैक्सिमम जो सन से जो लाइट आती है वो अर्थ पे जो फॉल होती है उसका बस 51% ही हमारा अर्थ पे पहुंचता है, तो 51% होता है, तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ग्रेटर फ्रैक्शन, तो 8वां ट्रू होगा। 9वें पे पहुंचते हैं। द सोलर स्पेक्ट्रम दैट रीचेज टू द सरफेस ऑफ अर्थ इम्पैक्ट बाय द गैसेस इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू द वेवलेंथ दे एब्जॉर्ब, दिस इज ट्रू। और लास्ट पे मूव करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रिसीव फ्रॉम द सन इज द सेम रिगार्डली एट द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दिस इज रॉन्ग बिकॉज हमें पता है जो इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस के हिसाब से क्या होती है, वो कम होती जाती है, दैट्स वाई यह गलत होगा। और उम्मीद है इसमें सारे ही जवाब सही होंगे और कोई भी मुझे त्रुटि लगेगी और लास्ट डेट के सबमिशन से पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, अगर कोई भी मुझे डाउट लगती है तो मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूंगी, बट अभी मुझे लग रहा है इसमें सभी सही हैं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्दर वीडियो चाहते हैं तो, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।